चलिए तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जुलाई महीने के जो महत्वपूर्ण दिन हैं और जिस रूप में मनाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, आप लोग की इस में आपके वही लिए गए हैं जो या तो किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछने की पूरी संभावना होती है। स्थायी आंकड़े इसमें लिए गए हैं, ठीक है। और अस्थायी आंकड़े कहने का मतलब है कि हम लोग करेंट में बात करते रहेंगे, जो थीम बदलती रहती है, जो नए जुड़ते रहते हैं उनके बारे में हम लोग करेंट में बात कर लेंगे। और अगर इसमें कोई छूटा हो तो आप नीचे थोड़े विस्तार से लिख भी सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो वहां अगर कोई छूट गया मुझसे धोखे से, और याद रखिए क्या होता है कि कई बार जुड़ते रहते हैं नए नए, तो आप वो भी लिख सकते हैं कोई अगर जुड़ता है तो, ठीक है। तो जनवरी से आपके जून तक के पहले ही भी देख चुके हम लोग। वास्तुशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? वास्तुशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। डॉक्टर दिवस या फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? ये भी 1 जुलाई को मनाते हैं। आप देखेंगे डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन की पर हम लोग इसे मनाते हैं। और भारत में वर्ष 1991 से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो विधान चंद्र जो राय थे ये समाजसेवी और चिकित्सक थे, और याद रखिए बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार में जन्मे थे। आपसे अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय चुटकुले दिवस, जोक डे, अंतरराष्ट्रीय चुटकुले दिवस यानी कि इंटरनेशनल जोक डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस ये भी आपका इस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। आप लोगों को मालूम होगा स्टेट बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? एक जुलाई 1955 को। इसीलिए आप इसे एक भारतीय राष्ट्रीय स्टेट बैंक दिवस स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 4 जुलाई को। स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस 4 जुलाई को। श्री गुरु हरगोविंद जयंती, सिख गुरु थे श्री गुरु हरगोविंद जयंती, ये 5 जुलाई को मनाते हैं। कब? 5 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस ये आप देखेंगे 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस ये आप देखेंगे 9 जुलाई को। कब? 9 जुलाई को। ठीक है, आप देखते हैं अखिल भारतीय विद्या परिषद की स्थापना 9 जुलाई को ही हुई थी, एक तरह से उसी की याद में मना देते हैं। और आप देखेंगे कि ये संसार का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन भी है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अभी आप जानते हैं कि चीन के बाद हमारा नंबर आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम चीन को भी पीछे कर देंगे। किसी क्षेत्र में हम लोग प्रगति कर रहे हो या नहीं, विकास कर रहे हो या नहीं, जनसंख्या के मामले में हम लोग बराबर विकास की यात्रा पर है। तो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, तब संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी 1987 से, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और 12 जुलाई को आप देखेंगे मलाला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपने सुना होगा कि जो मलाला यूसुफ जई थी ना, ये तालिबान की गोलियों से शिकार हुई थी, तो इनके जन्म दिवस पर 12 जुलाई को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में आप लोग 13 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे 14 जुलाई वायु परीक्षा दिवस
ये 14 जुलाई को, कब? 14 जुलाई को कॉमन सर्विस सेंटर डे, ये 16 जुलाई को, 16 जुलाई को याद रखिए। 18 जुलाई को आप लोग नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम अपना राष्ट्रपिता कहते हैं ना, भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी तरह आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को वहां का राष्ट्रपिता कहते हैं। और ये आप देखेंगे 18 जुलाई राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जन्म दिवस के यादगार में मनाते हैं, ठीक है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। फिर आप देखेंगे 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस भी मनाते हैं। 22 जुलाई को झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 22 जुलाई। 23 जुलाई को आप लोग बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन मनाते हैं। किसका? बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिवस मनाते हैं। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्मदिन दिवस मनाते हैं, ठीक है। 23 जुलाई को ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाते हैं। 23 जुलाई को ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाते हैं आप लोग। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं, इनकम टैक्स डे, यानी कि आयकर आय भरें इसलिए मनाते हैं एक तरह से। 25 जुलाई को देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। 25 जुलाई को क्या मनाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जयंती। कारगिल विजय दिवस, ये भी कई बार पूछ लिया गया है। कारगिल विजय दिवस आप देखेंगे 26 जुलाई को मनाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पूरी तरह से फतह हासिल की थी, इसलिए प्रतिवर्ष देखेंगे आप लोग कि भारत में 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस या फिर विजय दिवस के रूप में, ठीक है, विक्टरी डे। पर आप देखेंगे 27 जुलाई की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस आप लोग 27 जुलाई को मनाते हैं। 28 जुलाई की बात करूं तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आपका 28 जुलाई को। वर्तमान में आप देखेंगे कई प्रजातियां, जीव जंतु और वनस्पतियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन्हें विलुप्त होने होते जीव जंतु और वनस्पतियों के संरक्षण के उद्देश्य विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की संकल्पना की गई थी। आज आप भी देखते हैं, एक समय आप देखते थे कि घर में एक चिड़िया रहती थी, वो घोंसला बनाती थी, और आप देखते थे वो भी आजकल आपको विलुप्त होती नजर आ रही है। आप देखेंगे कि गीदड़ आपको दिखता था गांव की तरफ, अब तो मुश्किल से अगर नजर आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं के प्रति एक तरह से जागरूक करने के लिए हम विश्व प्रकृति दिवस संरक्षण दिवस मनाते हैं आपका 28 जुलाई को। 28 जुलाई को हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाते हैं। 28 जुलाई जुलाई को ही हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। आप देखेंगे हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस संक्रामक रोग हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई को रोकथाम निदान और उपचार को प्रेरित करने हेतु विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? बाघ संरक्षण दिवस। एक तरह से विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है इसलिए कि बाघों के संरक्षण के प्रति थोड़े जागरूक रहे हम लोग। आपने देखा है कि बाघ अभी 2018 में जो गणना हुई थी जनगणना, उसमें आपने देखा था कि 2967 बाघ है टोटल हमारे भारत में, ठीक है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 526 मध्य प्रदेश में, इसीलिए आप जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, आप लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, समझ रहे हैं। और अभी आपने देखा है कि 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। 31 अगर हम लोग जुलाई की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जयंती, 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जयंती के रूप में मनाते हैं। और जुलाई का तीसरा रविवार राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस के रूप में मनाते हैं। जुलाई का तीसरा रविवार, जुलाई
जुलाई का तीसरा रविवार किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस के रूप में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पूछते रहे हैं और पूछे जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई छूटा है तो आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है? एक दूसरे की मदद करते रहिएगा। चलिए हम लोग जुलाई अगस्त में मिलते हैं, अब अगस्त के महीने में, यानी कि देखते हैं, अगस्त में नहीं मिलेंगे, अभी मिलेंगे, लेकिन अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिन और जिस रूम में मनाए जाते हैं उन्हें भी देखेंगे। इसकी थीम के लिए आप लोग जब भी देख रहे हैं आप नीचे लिख भी सकते हैं, आपको अगर पता है, और अगर नहीं पता है तो हम लोग 2020 2021 का जब भी इस तरह से करंट अफेयर्स कवर करते हैं तब भी इसका कवर करते रहते हैं, ठीक है? और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में और कई स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिलता है। वनडे एग्जाम में तो आप देखते हैं हमेशा पूछे जाते हैं, आपसे एक लाइन दे देगा, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 28 जुलाई, 27 जुलाई, 31 जुलाई, 29 जुलाई, तो आप बंद को बताना होगा 29 जुलाई को। तो इस तरह के क्वेश्चन, इसीलिए तो बोलता हूँ कि आप अपनी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर पुराने उठाकर देख लिया करिएगा, जिससे क्या होता है कि एक अनुभव हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है?